हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जिसमें हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के अंदर हम इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में रीड करेंगे। तो देर ना करते हुए बच्चों, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है, देखिए सर कि क्या कह रहा है इसमें। देखिए, द होल वर्ल्ड इज ऑन ए क्लिक एंड द वर्ल्ड इज टू स्मॉल आर द फेमस लाइन्स विच आर प्रूव नॉट ओनली इन लिटरेचर बट साइंटिफिकली आल्सो ड्यू टू द वेरियस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। कह रहे कि जो होल वर्ल्ड है अब पूरा एक क्लिक के ऊपर हो गया है। कैसे हो गया है? अब देखिए, आप कुछ भी आपको सर्फिंग करनी है, अब आपको कहीं पे कुछ सर्च करना है, अगर आपको देखना है कि इस टाइम में जापान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इंटरनेट के द्वारा ही घर बैठे बैठे एक क्लिक में ही सब कुछ जान सकते हैं। वहाँ की न्यूज़ देख सकते हैं, वहाँ के सारे मॉल्स देख सकते हैं, वहाँ के सारे एनवायरनमेंट देख सकते हैं। तो मतलब कि वर्ल्ड बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गई है। तो सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने की वजह से एक क्लिक के अंदर ही हो गया। हम वैसे भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, देखिए सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि इंटरनेट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल प्रोडक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। कह रहे कि इंटरनेट जो है इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। इट इज़ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पेनिट्रेटिंग नेटवर्क इन द वर्ल्ड विदाउट एनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। कह रहे कि ये एक ऐसा सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर कोई भी बाउंड्रीज भी कुछ भी इसका बिगाड़ नहीं सकती। चाहे हम इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, चाहे इंग्लैंड के बीच में बॉर्डर है, चाइना, पर इंटरनेट तो हर जगह पर फैला हुआ है। हम घर बैठे बैठे एक क्लिक के अंदर पूरे वर्ल्ड की पूरी जानकारी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्रीज कुछ नहीं कर सकती। ह्यूज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टॉपिक इज अवेलेबल 24 आवर्स ऑन द इंटरनेट। कह रहे कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो हमें किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो हमें 24 घंटे हमें उपलब्ध मिलेगी। चाहे रात के 12 बजे हम गूगल ओपन कर खोल के देख सकते हैं, सुबह खोल सकते हैं, रात को खोल सकते हैं, जब मर्जी खोलिए इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कंट्री एंड ऑफ एनी टाइप लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिसर्च, डिफेंस, एस्ट्रोनॉमी, बिजनेस एक्सेट्रा अवेलेबल ऑन ए क्लिक। कह रहे कि चाहे किसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, रिसर्च हो, डिफेंस हो, एस्ट्रोनॉमी हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, सब कुछ एक क्लिक के अंदर ही आपके सामने आ जाएगा। यू कैन डू बैंकिंग, रेल एंड एयर रिजर्वेशन, शॉपिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एक्सेट्रा। कह रहे कि हम घर बैठे बैठे एक क्लिक के अंदर ही बैंकिंग भी कर सकते हैं, हमें रेल की टिकट भी बुक कर सकते हैं, मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर भी कर सकते हैं। मतलब कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे एक सीटिंग करके भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ईमेल इज़ लाइक 24 आवर पोस्ट ऑफिस वेयर वन कैन रिसीव एंड सेंड मेल्स एट मोस्ट नो कॉस्ट। नाउअडेज इंटरनेट एक्ट एज ए गुड सोर्स फॉर एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं कि एक ईमेल जो है वो 24 आवर पोस्ट ऑफिस की तरह है, जिसमें हम, अब देखिए पोस्ट ऑफिस का तो खुलने का टाइम होता है, बट ईमेल जो है वो 24 आवर वर्क करता है। आप जब मर्जी इसको ओपन कीजिए, किसी को मेल सेंड कीजिए, रिसीव कीजिए, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते आपके, सिर्फ नेट लगता है। आजकल जो है इंटरनेट जो है गुड सोर्स बना हुआ है एडवर्टाइजमेंट का भी, आपने देखा होगा। आप अगर यूज़ करते हैं इंटरनेट को तो आजकल सोशल मीडिया चली हुई, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, या हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, यहाँ पर कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है बिजनेस की। तो इसको सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो ये तो था इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ईमेल। ईमेल देखिए क्या होता है। ईमेल, शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज फीचर्स ऑफ द इंटरनेट अलॉन्ग विद द वेब। ईमेल जो होता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है, जो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, एक फीचर है जो इंटरनेट के ऊपर यूज़ किया जाता है मैसेज को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। इट अलाउज यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज टू एनीवन फ्रॉम एनीवन विद एन ईमेल एड्रेस। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल यूज़ मल्टीपल प्रोटोकॉल्स विद इन द TCP/IP सूट। अब देखिए ईमेल क्या करता है, ये भी बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज़ करता है, जैसे कि यहाँ पे TCP/IP, जिसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है,
फॉर एग्जाम्पल एस एम टी पी इज यूज टू सेंड मैसेज, मैसेज को सेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं एस एम टी पी का। और वाइल द पी ओ पी और पी ओ पी जो और आई मैप जो है प्रोटोकॉल, इनका यूज किया जाता है किसी भी मैसेज को रिट्रीव करने के लिए, कहाँ से, मेल सर्वर के लिए। कह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी ईमेल अकाउंट कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्या करना पड़ेगा वहाँ पे डालना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब कह रहे हैं कि फॉर्चुनेटली मोस्ट वेब मेल सर्विस कन्फिगर योर अकाउंट ऑटोमेटिकली, सो यू ओनली नीड टू एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इफ़ यू यूज एन ईमेल क्लाइंट। कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आप जो वेब मेल सर्विस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ईमेल अकाउंट और पासवर्ड डालना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट को कॉन्फ़िगर कर लेता है। अगर आप ईमेल क्लाइंट को यूज़ करें जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या एप्पल मेल, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अकाउंट को। उसके लिए आपको ईमेल पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो आपका आउटगोइंग मेल सर्वर है और इनकमिंग मेल सर्वर है वो डालना पड़ेगा, और उसके साथ आपको पोर्ट नंबर डालना पड़ेगा कि पोर्ट नंबर कौन सा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका ईमेल कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आपकी ईमेल्स आने लग जाएंगी, जाने लग जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट जो है ईमेल एड्रेस क्या होता है। तो अब हम किसी को मेल सेंड करते हैं और मेल रिसीव करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक ईमेल एड्रेस होता है, एक तो हमारा खुद का होगा और एक सामने वाला होगा जिसको हमें मेल सेंड करनी है। तो ईमेल एड्रेस जो होता है टू पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको एट द रेट से क्या करते हैं हम अलग करते हैं। तो ईमेल एड्रेस के अंदर कभी भी स्पेस नहीं होते। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है विशाल मेहता 321@gmail.com। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है यूज़र नेम विशाल मेहता 321। यूज़र नेम क्या होता है, किसी पर्सन का अकाउंट हो गया या उसका एक्चुअल नेम हो गया या कोई भी नाम हो सकता है। और डोमेन नेम जो होता है वो पर्सन की जो लोकेशन है, अकाउंट की लोकेशन जो है, या कंपनी जिस कंपनी का बना रहा है, जिस वेबसाइट का बना रहा है वो इंटरनेट में, वहाँ उसको क्या कहा जाता है, डोमेन नेम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए डॉट के बाद कॉम लगा हुआ है, वो डोमेन एक्सटेंशन है, और बीच में एट द रेट आपको दिखाई दे रहा होगा। एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, अब एडवांटेजेस क्या क्या है ईमेल की। द कॉस्ट ऑफ द सेंडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज नॉमिनल। जो कॉस्ट है वो तो आपको पता ही है कि नॉमिनल है, क्योंकि आपका सिर्फ इंटरनेट ही लग रहा है, इसमें कोई पैसे तो लगते नहीं, इंटरनेट के ही जितने पैसे लगते हैं वो लगते हैं। द मैसेज सेंड एंड सेव, अब किसी को मैसेज सेंड करना है वेट नहीं करना पड़ेगा, 10-10 दिन तक भी चिट्ठी पत्र जाएगा और पहुंचेगा, उसके बाद वो पड़ेगा यार हम रिसीव करेंगे, इंस्टेंटली उसी टाइम ही मेल चली जाएगी और हम उसी टाइम ही रिसीव भी कर सकते हैं। ईमेल्स नेवर गेट लॉस्ट एंड डू नॉट रीच एट रॉन्ग, और ईमेल कभी भी लॉस्ट नहीं होती, और सीधी सी बात है जिस डेस्टिनेशन पे हम भेजेंगे, जिस ईमेल एड्रेस पे भेजेंगे उसी पे जाएगी, ये नहीं कि भेजी किसी और को है किसी और को चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईमेल्स अलाउज अस टू बी इन टच विद द पीपल हु आर स्टेइंग फार अवे। अब ईमेल से क्या होता है, अगर कोई हमारा बंदा जो है इंग्लैंड में रहता है उसको भी भेज सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं जितनी मर्जी दूर रहता हो। वी कैन अटैच पिक्चर्स वीडियो साउंड टू ईमेल्स एंड सेंड इट, हम पिक्चर्स वगैरह जो भी हैं इसके साथ अटैच करके सेंड कर सकते हैं। वी कैन रीड प्रिंट फॉरवर्ड रिप्लाई, हम किसी भी ईमेल को रीड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी तो नॉर्मल एडवांटेजेस थी, वो हम सबको पता ही हैं। तो आज हम ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।